2025 में वन ऑफ द बिगेस्ट हैकिंग प्लेटफॉर्म हैकर वन के लीडर बोर्ड पर एक नाम टॉप पर आया जो था एक्सबो एआई। लेकिन ये कोई ह्यूमन हैकर नहीं था, ये था एक एआई सिस्टम जो कि ह्यूमन हैकर से ज्यादा फास्ट वल्नरेबिलिटीज को फाइंड कर रहा था। तभी बहुत सारे हैकर्स के मन में ये सवाल आया कि 2026 में दुनिया खत्म है। अबे 26 में तो दुनिया खत्म है। आई मीन क्या 2026 में एआई हैकर से भी बेटर परफॉर्म कर सकता है? तो क्या 2026 में एथिकल हैकिंग सीखना वर्थ इट है? ये जितने भी अब हैकर्स थे उनका करियर खत्म? तो इस वीडियो के एंड तक मैं इन्हीं सब क्वेश्चंस का आपको आंसर देने वाला हूं, और इस वीडियो के एंड होने तक आपको एक 2026 एथिकल हैकिंग रोड मैप मिल जाएगा। सो हेलो गाइस, दिस इज हसन। आई एम एन एथिकल हैकर एंड साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट। आई शेयर अ लॉट ऑफ द एथिकल हैकिंग एंड साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड कंटेंट ऑन माय इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब एज वेल। सो इफ यू डोंट वांट टू मिस आउट एनी अपडेट्स, जस्ट चेक आउट दीज प्रोफाइल्स। पिछले कुछ महीनों में मेरे पास काफी ज्यादा डीएम्स और कॉमेंट्स आए जिसमें काफी सारे लोग मुझसे ये सवाल कर रहे थे कि क्या एथिकल हैकिंग का भी करियर खत्म है? जैसा कि एआई काफी सारे जॉब रोल्स को रिप्लेस करता जा रहा है, क्या हमारे करियर के साथ भी ऐसा ही होगा? क्या एथिकल हैकर्स या पेनिट्रेशन टेस्टर्स या साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स की भी जॉब चली जाएगी, या इसमें करियर बनाना सही है या नहीं? तो काफी सारे मुझे डीएम्स आए, तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर एक वीडियो ही बना दूं। और इसके साथ ही साथ मैं आपको एक एथिकल हैकिंग का रोड मैप भी देने वाला हूं, जो कि आप 2026 में फॉलो कर सकते हो। अगर आप एक बिगिनर हो, आप उस एथिकल हैकिंग के रोड मैप को फॉलो करके एक एथिकल हैकर बन सकते हो। सो गाइस, 2026 आ चुका है और एआई ने एथिकल हैकिंग की इंडस्ट्री को ऑलमोस्ट हिला करके रख दिया। पिछले कुछ महीनों में काफी सारे एआई टूल्स लॉन्च हुए हैं जो कि डिफेंसिव हैकिंग में काफी अच्छे परफॉर्म कर रहे थे, जैसे कि प्रिज्म एआई या सेंटिनल वन का पर्पल एआई, और काफी सारे एआई स्कैनर्स भी लॉन्च हुए हैं। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स ने अपने स्कैनिंग टूल्स में एआई को इंटीग्रेट कर दिया। लेकिन शॉकिंग और इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि ऑफेंसिव हैकिंग में भी एक टूल सामने आया जिसका नाम था एक्सबो एआई। इस एक्सबो एआई ने कुछ महीनों के लॉन्च के बाद ही वन ऑफ द बिगेस्ट हैकिंग प्लेटफॉर्म हैकर वन पर टॉप रैंक किया और काफी सारी क्रिटिकल वल्नरेबिलिटीज को फाइंड किया। एक्सपो एआई काफी सारे बग्स जैसे कि एसक्यूएल इंजेक्शन, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, आईडॉस, रेस लिमिटेशंस, ये सारे बग्स को इजीली फाइंड कर ले रहा था। तो उससे बहुत सारे लोगों को ये लगा कि क्या अब हैकर्स की जरूरत बचेगी भी? लेकिन रियलिटी कुछ और ही है। एआई मोस्टली पैटर्न ऑब्जर्व करता है, डेटा एनालाइज करता है एंड प्रेडिक्टेबल प्रॉब्लम्स को इजीली सॉल्व कर लेता है, और जो लोगों ने ऑलरेडी कर रखा है उनसे ही ये ट्रेन होता है। लेकिन जो एक हैकर होता है उसका गेम अनप्रेडिक्टेबल होता है। सिस्टम्स हर कंपनी के डिफरेंट होते हैं, कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट होते हैं, और उनके बिजनेस लॉजिक्स भी डिफरेंट होते हैं, और उनमें जो ह्यूमन एरर्स हो रहे हैं वो भी डिफरेंट ही होते हैं। एआई अभी इन सारी अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशंस को हैंडल नहीं कर पाता। एआई एक्सप्लॉइट क्रिएट कर सकता है, एआई पैटर्न बेस्ड बग फाइंड कर सकता है, एआई रिकॉन को ऑलमोस्ट 10 times फास्ट कर सकता है। अगर आपको बिजनेस लॉजिक एरर्स फाइंड करने हैं तो उसके लिए आपको ह्यूमन हैकर्स की ही जरूरत पड़ेगी। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि एआई से एथिकल हैकर्स पर बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ेगा। जो भी जूनियर लेवल पेनिट्रेशन टेस्टर्स थे या स्क्रिप्ट किडीज थे, अब वो एथिकल हैकिंग में करियर नहीं बना सकते अनटिल और अनलेस दे विल स्टार्ट लर्निंग। तो अगर आपको एथिकल हैकिंग में आना है और इसमें करियर बनाना है, तो इसके लिए अब आपको एआई को अपनी लर्निंग में इंटीग्रेट करना पड़ेगा, एआई को अपनी हंटिंग में यूज करना पड़ेगा, काफी जगह आपको एआई का यूज करना पड़ेगा साथ ही साथ, अदरवाइज यू विल बी मिस्ड आउट। आप देख रहे हो कि एआई हर फील्ड में आगे बढ़ रहा है, तो एआई का ब्लैक हैट हैकर्स भी यूज कर रहे हैं लोगों के साथ स्कैम करने में, फिशिंग ईमेल क्रिएट करने में, मालवेयर, रैंसमवेयर, स्पाईवेयर ये सब क्रिएट करने में, और एक्सप्लॉइट्स को भी क्रिएट करने में। तो एआई ने ब्लैक हैट हैकर्स का भी काम आसान किया है, जिससे कि अब आने वाले टाइम में हम लोगों को काफी सारे साइबर अटैक्स देखने को मिल सकते हैं। तो इसके लिए कंपनीज को रेडी रहना पड़ेगा, तो वो भी अपनी साइबर सिक्योरिटी टीम में एआई टूल्स को इंटीग्रेट करेंगे, और कुछ कंपनीज ने तो एआई टूल्स को इंटीग्रेट करना शुरू भी कर दिया। तो सारी बात का कंक्लूजन ये है कि एआई एथिकल हैकर्स को रिप्लेस नहीं करेगा बल्कि उन्हें अपग्रेड करेगा। तो अगर आप एज एन एथिकल हैकर एआई टूल्स को यूज करोगे, देन यू कैन मेक अ करियर आउट ऑफ इट। लेकिन अगर आप स्टिल मैनुअल वेज को ट्राई करोगे तो मोस्ट प्रोबेबली यू विल बी मिस्ड आउट। मैनुअल वेज वर्थ इट, लेकिन साथ ही साथ आपको एआई भी यूज करना पड़ेगा, तभी आप इवॉल्व कर पाओगे। और एआई आने के बाद एक और सेक्टर ऐड हो गया है एआई हैकिंग का, जहां पर लोग काफी सारे अटैक्स यूज कर रहे हैं एआई सिस्टम्स को हैक करने के लिए, जैसे कि प्रॉम्प्ट इंजेक्शंस, मॉडल पॉइजनिंग, इवेजन अटैक्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आप इसके बारे में भी स्टडी कर सकते हो और एआई में भी बग्स ढूंढ करके रिपोर्ट कर सकते हो। सो आई होप कि अब आपको पहले क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। सो अब हम आ गए हैं इस वीडियो के सबसे पावरफुल एंड प्रैक्टिकल पार्ट पर, जो कि है द 2026 एथिकल हैकिंग रोड मैप। तो अगर आप एथिकल हैकिंग को लेकर के सीरियस हो और अपना करियर बनाना चाहते हो एथिकल हैकिंग में, सो यू शुड फॉलो दिस पाथ। तो इस एथिकल हैकिंग रोड मैप में मैंने सारी चीजें डिटेल में मेंशन कर रखी हैं कि कैसे सीखना है, क्या सीखना है और किस ऑर्डर में सीखना है। मैं आपको वो रोड मैप नहीं दूंगा जो कि एक्सपायर हो गया या ऑलरेडी गूगल पर पड़ा हुआ है। मैं आपको इस वीडियो में एक नया रोड मैप दूंगा जो कि आपके लिए 2026 में बेस्ट होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं।
सो द फर्स्ट स्टेप इन दिस रोड मैप इज मास्टर द फाउंडेशंस। तो सबसे पहले आपको बेसिक्स कवर करने होंगे। इट माइट सीम्स बोरिंग लेकिन इट इज इम्पॉर्टेंट। ये पिलर है एथिकल हैकिंग का। आपको कंप्यूटर नेटवर्क की स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, जैसे कि OSI मॉडल, TCP/IP, पोर्ट्स, प्रोटोकॉल्स, एक डेटा पैकेट्स किस तरह से एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में ट्रांसफर होता है, ये सारी चीज़ें आपको डिटेल में पता होनी चाहिए। DNS कैसे रिजॉल्व होता है, वेबसाइट कैसे वर्क करती है, वेबसाइट में कितने एलिमेंट्स होते हैं, वेबसाइट किन चीज़ों से मिल करके बनी होती है, और वेबसाइट या वेब एप्लीकेशन के क्या फंडामेंटल्स हैं, ये सारी चीज़ें आपको डिटेल्स में कवर करनी होंगी। अगर ये पार्ट वीक रहा तो आप टूल्स यूज़ करते रहोगे, बग्स नहीं ढूंढ पाओगे। तो मेरा एक सिंपल रूल है, आप डेली 30 मिनट्स अपने बेसिक्स पर फोकस करो, जो भी चीज़ें आपने लर्न करी हैं उसको रिवाइज करो। सो वॉट एवर यू आर लर्निंग, राइट डाउन ईच एंड एवरी थिंग इन अ डायरी और अ नोट कीपिंग एप्लीकेशन लाइक चेरी ट्री, नोशन, योर नॉर्मल नोट पैड एक्सेट्रा। नाउ द स्टेप टू इज लर्न लिनक्स। अगर आप एथिकल हैकिंग इंडस्ट्री में हो, चाहे आप बिगिनर ही हो, लेकिन आपने ये नाम तो जरूर सुना होगा लिनक्स का। लिनक्स इज अ कर्नल, या तो आप इसे ऑपरेटिंग सिस्टम भी कह सकते हो। नॉर्मली रेगुलर विंडोज को यूज करने से बेटर है कि आप लिनक्स में स्विच करो, ताकि आप कमांड लाइन इंटरफेस से यूज टू हो जाओ। अब लिनक्स में काफी सारे डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, जैसे कि काली, पैरट, Ubuntu, ब्लैक आर्क, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो अगर आप एक बिगिनर हो और लिनक्स के बारे में बिल्कुल नहीं जानते और स्टार्ट करना चाहते हो, देन यू कैन गो विद Ubuntu और Zorin OS। Zorin और Ubuntu मोस्टली बिगिनर्स के लिए, यू कैन यूज इट, और Zorin OS आपको काफी विंडोज सा लुक देगा। सो यू कैन गो विद दीज डिस्ट्रीब्यूशन, लेकिन मैं पर्सनली प्रेफर करूंगा काली लिनक्स को, क्योंकि उनमें प्री इंस्टॉल्ड होते हैं काफी सारे टूल्स एथिकल हैकर्स या साइबर सिक्योरिटी रिसर्चर्स के लिए। तो कंक्लूजन ये है कि आपको लिनक्स में स्विच करना ही पड़ेगा और कमांड लाइन से यूज टू होना पड़ेगा। नाउ स्टेप 3 इज लर्न पाइथन एंड बैश। सो आई सेड पाइथन, तो अब आप ये सोच रहे हो कि क्या मुझे डेवलपर बनना पड़ेगा, एंड द आंसर इज नो, आपको डेवलपर बनने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, आपको पाइथन में स्क्रिप्ट्स लिखने आने चाहिए, एक्सप्लॉइट्स क्रिएट करने आने चाहिए, एंड एक्सप्लॉइट्स को मॉडिफाई करना आना चाहिए। और अगर आपको कोई भी चीज़ ऑटोमेट करनी है, चाहे वो रिकॉग्निशंस हो या इन्फॉर्मेशन गैदरिंग या पेलोड्स क्रिएट करने हो, तो उन सब के लिए आपको पाइथन का यूज़ करना ही पड़ेगा। तो पाइथन बेसिकली एक्सप्लॉइट्स क्रिएट करने के लिए होती है, और बैश का आप यूज़ कर सकते हो टूल्स को ऑटोमेट करने के लिए, कुछ कमांड्स को ऑटोमेटिकली रन करने के लिए। आई प्रेफर दैट यू शुड लर्न बोथ दिस लैंग्वेजेस। और आपको इस AI के एरा में ऑटोमेशन सीखनी ही पड़ेगी, ताकि आप फास्टली रिकॉन कर सको, फास्टली इन्फॉर्मेशन को गैदर कर सको, एक्सप्लॉइट्स क्रिएट कर सको, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा टाइम यूनिक वल्नरेबिलिटीज को फाइंड करने में दे सको। नाउ द स्टेप 4 इज वेब ऐप पेन टेस्टिंग। अगर आप किसी भी पेन टेस्टिंग में जा रहे हो, जैसे कि एंड्रॉइड या iOS, तो मैं प्रेफर करूंगा कि आप पहले वेब ऐप पेन टेस्टिंग सीखो। वेब ऐप पेन टेस्टिंग में आपको सबसे पहले OWASP टॉप 10 के बारे में सीखना पड़ेगा। OWASP टॉप 10 इज अ लिस्ट ऑफ वल्नरेबिलिटीज व्हिच इज रिलीज्ड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन दैट इज OWASP। और रिसेंटली नवंबर 2025 में OWASP ने एक न्यू लिस्ट रिलीज करी है। तो आपको इस लिस्ट को गो थ्रू करना है, सारी वल्नरेबिलिटीज को डीपली अंडरस्टैंड करना है, सिमुलेट करना है उसको अपनी लैब में। एंड द सेकंड थिंग इज यू शुड मास्टर बर्बसूट। बर्बसूट आपको आना चाहिए। बर्बसूट में जितने भी टूल्स हैं, इंट्रूडर, रिपीटर, स्कैनर, डिकोडर, कोलैबोरेटर एक्सेट्रा एक्सेट्रा, एवरीथिंग यू शुड मास्टर द बर्बसूट कम्प्लीटली। इसके साथ ही साथ आपको HTTP रिस्पॉन्सेस क्या होते हैं, HTTP रिक्वेस्ट क्या होती है, और उनमें हेडर्स कौन कौन से होते हैं, क्वेरीज क्या होती हैं, पैरामीटर्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको सीखनी पड़ेंगी। और इसमें आपको इनिशियली मैनुअल टेस्टिंग का माइंडसेट बनाना पड़ेगा। अब AI काफ़ी सारी नॉर्मल वल्नरेबिलिटीज को फाइंड करने लग गया है, तो यू शुड फोकस ऑन बिजनेस लॉजिक एरर्स मोस्टली। एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ बिजनेस लॉजिक एरर का, जैसे कि एक परचेज में एक पर्सन एक ही बार कूपन यूज कर सकता है, यह है नॉर्मल सा बिजनेस लॉजिक। अगर इसमें कोई एरर आता है, या इस कूपन को मल्टीपल टाइम्स यूज किया जा सकता है, या कोई एक कोई रेस कंडीशन अप्लाई की जा सकती हैं, तो ये सारी चीज़ें बिजनेस लॉजिक एरर्स में आ जाएंगी। नाउ स्टेप 5 इज AI इंटीग्रेटेड रिकॉन। आपको कुछ टूल्स का यूज करना है रिकॉग्निशंस के लिए, या इसे इन्फॉर्मेशन गैदरिंग भी बोलते हैं, बट स्टिल आई विल प्रेफर दैट यू शुड गो फॉर द मैनुअल टेस्टिंग, मैनुअल रिकॉन एज वेल। लेकिन मोस्टली आपको AI का यूज करना है, जैसे कि पेंटेस्ट GPT, वॉर्म GPT, प्रिज्म AI, रिकॉन AI एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारे टूल्स का आप यूज कर सकते हो अपनी रिकॉग्निशंस को फास्ट करने के लिए। रिकॉग्निशंस और ये सारे टूल्स का यूज आप तो ऑटोमेशन पे कर रहे हो, लेकिन थिंकिंग आपकी मैनुअल ही होनी चाहिए। आपको ये सारे टूल्स के बारे में पता होना चाहिए कि किस तरह से वर्क कर रहे हैं, या जो भी रिकॉग्निशंस हो रहा है वो किस ऑर्डर में हो रहा है, या क्या चीज़ पहले फाइंड करी जा रही है। तो ये सारी चीज़ों के बारे में आपको काफ़ी डिटेल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। मैं सब टॉपिक्स पर बाद में भी वीडियो बनाऊंगा, अगर आपको कोई भी डाउट्स हो तो आप कॉमेंट कर सकते हो कि ये टॉपिक आपको स्पेशली समझ नहीं आया, तो मैं उस पर भी फ्यूचर में वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा।
तो अभी मैं Zorin OS पर भी एक वीडियो लाने वाला हूँ कि किस तरह से Zorin OS को आप इंस्टॉल कर सकते हो अपने सिस्टम में। और अगर आपको वर्चुअल लैब सेटअप करनी है तो आप इन आई कार्ड्स पर जा सकते हो और वहाँ पर लिस्टेड वीडियोस को देख सकते हो, और मैंने सारे रिसोर्सेज का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। नाउ द स्टेप 6 इज बग बाउंटी स्किल्स। अगर आप एक इंटरमीडिएट लेवल पर हो तो बग बाउंटी में टिपिकल स्टेप्स आपको ऑलरेडी पता ही होंगे, बट 2026 में आपको कुछ और भी करना पड़ेगा, जैसे कि एडवांस सब डोमेन इनमरेशन, जावास्क्रिप्ट फाइल एनालिसिस, हिडन एंडपॉइंट्स एक्सट्रैक्ट करना, API टेस्ट करना, पैरामीटर माइनिंग्स, लॉजिक फ्लॉज डिटेक्ट करना, रेट लिमिट बाईपास, ऑथेंटिकेशन अटैक्स एंड अलॉट अदर्स। और जैसा कि मैंने अभी स्टार्टिंग में भी बताया, ये जो सारी चीजें आप सीख रहे हो इसे आप नोट डाउन भी करते चलो, जहां जहां जो भी चीजें आपने सीखी हैं, लर्न करी हैं, या जो भी एक्सेप्शनल पॉइंट्स हैं उनको आप किसी नोट कीपिंग एप्लीकेशन में या डायरी में नोट करते हो चलो, सो दैट यू कैन रिवाइज इट एंड टेक एन अकाउंट ऑफ योर प्रोग्रेस। नाउ स्टेप 7 इज मोबाइल पेन टेस्टिंग, चाहे वो एंड्रॉयड हो या iOS। इंडियन स्टार्टअप जितने भी हैं 2025 से 2026 तक मोबाइल फर्स्ट हो गए। मोबाइल सिक्योरिटी डिमांड लिटरली डबल हो चुकी है, तो इसके लिए आपको MobSF, Frida स्क्रिप्टिंग, स्टैटिक प्लस डायनेमिक एनालिसिस, API सिक्योरिटी, रूटिंग या जेल ब्रेकिंग बेसिक्स, ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। मोबाइल पेन टेस्टिंग इज अ स्किल जिसे बहुत ही कम हैकर सीखते हैं, सो यू शुड गो फॉर दिस मोबाइल पेन टेस्टिंग। नाउ द स्टेप 8 इज रियल वर्ल्ड लैब्स एंड सर्टिफिकेशंस। 2026 में न्यू एडाप्टिव AI लैब्स आ चुके हैं, जहां पर आप AI से रिलेटेड हैकिंग भी सीख सकते हो, जैसे कि प्रॉम्प्ट इंजेक्शंस या इवेजन अटैक्स एक्सेट्रा। अगर आप कुछ लैब्स को ट्राई करना चाहते हो तो मैं रिकमेंड करूंगा ट्राई हैक मी, हैक द बॉक्स, कोड स्विगर अकेडमी, और AI हैकिंग के लिए मैंने काफ़ी सारे रिसोर्सेज एंड लैब्स डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिए हैं, आप वहां जाकर के उसे चेक कर सकते हो और डायरेक्ट लिंक भी वहां से आपको मिल जाएगा। और प्रैक्टिकल सर्टिफिकेशंस के लिए ये कुछ रिकमेंडेशंस है, जैसे कि EJPT, ये बिगिनर फ्रेंडली है एंड प्रैक्टिकल भी है। देन PNPT, ये भी रियल वर्ल्ड बेस्ड और प्रैक्टिकल है। एंड द थर्ड वन विच इज़ द मोस्ट पॉपुलर, OSCP, इट्स स्टिल वैल्यूड बट लिटिल टफ। ये सर्टिफिकेशंस और लैब आपके फंडामेंटल्स को स्ट्रॉन्ग करेंगे और आपकी स्किल्स और रिज्यूमे को भी इन्हांस करेंगे। नाउ द स्टेप 9 इज बिल्ड अ पब्लिक प्रोफाइल, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप। अब जितने भी रिक्रूटर्स हैं वो एप्लीकेंट्स के LinkedIn और GitHub प्रोफाइल को देख करके उन्हें हायर करते हैं, सो यू शुड क्रिएट योर प्रोफाइल ऑन LinkedIn, GitHub, और अब आप जो भी लैब्स को सॉल्व करो, मिनी प्रोजेक्ट्स क्रिएट करो या कुछ बग्स को फाइंड करो, वो सारी चीज़ों को आपको अपने प्रोफाइल्स और राइटअप्स हर जगह पर पोस्ट करना, सो दैट अगर आप फ्यूचर में कहीं पर जॉब अप्लाई कर रहे हो तो आप उन पब्लिक प्रोफाइल्स को शो कर सकते हो, एंड दिस विल इंक्रीज योर क्रेडिबिलिटी। एंड नाउ द 10th स्टेप विच इज़ द फाइनल वन, ये है वर्क विद AI, नॉट अगेंस्ट इट। मैं बार बार इस वीडियो की स्टार्टिंग से कह रहा हूँ, AI इज नॉट अ कॉम्पिटिटर, AI इज एन एम्पलीफायर। अगर आप AI को अपनी डे टू डे लाइफ और वर्क में इंप्लीमेंट करते हो, इंटीग्रेट करते हो, देन यू कैन इवॉल्व विद दिस एरा। और एथिकल हैकिंग में तो AI आपकी काफ़ी हेल्प करने वाला है, रिकॉग्निशंस में, एक्सप्लॉइट क्रिएशन में, स्क्रिप्ट्स ऑप्टिमाइज करने में, लॉग्स एनालाइज करने में, पेलोड्स टेस्ट करने में एंड डॉक्यूमेंटेशन जनरेट करने में, ये सारी ही जगह आपको AI हेल्प करेगा। सो AI विल गोइंग टू रिप्लेस लेजी हैकर्स बट नॉट द स्किल्ड वंस। तो अगर आप इस रोड मैप को फॉलो करते हो डिसिप्लिन के साथ एंड स्किल्स के साथ, एंड जो पॉइंट्स मैंने मेंशन किए हैं अगर आप उनको भी फॉलो करते हो, देन एथिकल हैकिंग 2026 में भी हाई इनकम एंड रेस्पेक्टेड करियर है। द रोड मैप इज नॉट ईजी बट इट्स वर्थ इट। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, मेक श्योर यू लाइक द वीडियो, गिव सम हाई पॉइंट्स सो दैट वी कैन हैक द एल्गोरिदम ऑफ यूट्यूब। कॉमेंट्स भी ड्रॉप करके जाना अगर किसी भी टॉपिक्स में आपको कन्फ्यूजन है, देन आई विल क्रिएट नेक्स्ट वीडियो ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक। और जितनी भी चीज़ें मैंने यहाँ पर मेंशन करी, चाहे वो रोड मैप हो या कोई भी टूल्स हो, वो सारी ही चीज़ों का मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आपको वहाँ पर एक कंप्लीट गाइड मिल जाएगी, आप उसको डाउनलोड कर सकते हो ईजिली। और अगर आपको एथिकल हैकिंग सीखनी मुझसे पर्सनली विद लाइव एंड प्रैक्टिकल डेमोंस्ट्रेशंस, तो आपको डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म मिलेगा मेंटोरशिप का, आपको उसे सबमिट कर देना है। इफ़ आई विल हैव एनी स्लॉट्स अवेलेबल देन आई विल डेफिनेटली लेट यू इन। और अगर आप फ्यूचर अपडेट्स या फ्यूचर वीडियोज को मिस नहीं करना चाहते, देन मेक श्योर यू फॉलो अस। टिल देन दिस इज हसन साइनिंग ऑफ।